हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए नॉकआउट टूर्नामेंट फिक्सर 11 टीम्स का बताने जा रहा हूं। देखिए कैसे फिक्सर ड्रा करते हैं 11 टीम का या किसी भी नंबर का फिक्सर जो है नॉकआउट टूर्नामेंट से कैसे करते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए पहले हम आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ टीम मतलब कितने टीम का जो है फिक्सर बनाना है। तो यहां पर मैं देख रहा हूं 11 टीम का मैं फिक्सर बता रहा हूं आपको, ठीक। इसके बाद आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ। तो देखिए कुछ फार्मूला आपको याद रखना होगा, जैसे कि मैं सब राइट कर दिया हूं। तो देखिए लोअर हाफ के लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ टीम माइनस वन बाई टू, ठीक। तो हमारा नंबर ऑफ टीम कितना है 11, तो 11 माइनस वन बाई टू, तो 10, 10 बाई टू यानी 5, तो कितना हो जाएगा, यानी हमारा जो टीम है ये टीम ऐसे पहले राइट कर देंगे 1 2 3, जितना भी नंबर का टीम बनाना होगा वो ऐसे राइट कर देंगे, ठीक। ये क्या है नंबर ऑफ टीम, तो हमारा फार्मूला है ये निकालने के लिए कि लोअर हाफ में कितनी टीम होंगी और अपर हाफ में कितनी टीम होगी। तो लोअर हाफ का फार्मूला है नंबर ऑफ टीम माइनस वन बाई टू, उसके हिसाब से नंबर ऑफ टीम रखकर आप निकाल देंगे, जो कि मैं ये निकाला हूं आप देख भी सकते हैं, ठीक। तो 5, तो यहां देख लेते हैं 5, 1 2 3 4 5, इसके बाद टू पार्ट में हम यहां से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो ऑटोमेटिक हो गया और ऊपर 6 हो जाएगा। अब देखिए अपर हाफ का भी फार्मूला हम यहां पर बता देते हैं। देखिए होता है अपर हाफ का फार्मूला जो नंबर ऑफ टीम प्लस 1 बाई 2, ठीक। तो उस तरह समान निकल जाएगा, ठीक। अब आते हैं हम बाई निकालने, पहला क्या आता है बाई। देखिए मैं बाई बता देता हूं बाई क्या होता है, ठीक। बाई वो टीम होती है जो कि फर्स्ट राउंड में नहीं खेलती है। जिस टीम को बाई मिलता है तो वो टीम फर्स्ट राउंड मैच नहीं खेलती है, ठीक। ये आपको क्लियर जानना होगा कि बाई वास्तव में देते किसको है, बाई का मतलब क्या होता है। तो बाई का मतलब ये होता है वो टीम, जिस टीम को बाई मिलेगा वो टीम जो है फर्स्ट राउंड में नहीं खेलेगी, ठीक। अब देखिए बाई हम देते कैसे हैं, तो देखिए बाई का फॉर्मूला नंबर ऑफ बाई इन लोअर हाफ, यहां पर है नंबर ऑफ बाई इन अपर हाफ, ठीक। तो नंबर ऑफ बाई अपर हाफ का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बाई, देखिए नंबर एन बी मतलब नंबर ऑफ आई बाई माइनस वन बाई टू। तो नंबर ऑफ बाई यहां पर हम देखिए निकाले हैं नंबर ऑफ बाई कैसे निकालते हैं। हाँ एक चीज देखिए मैं मिस्टेक कर दिया था, आपको नहीं बता पाया, सॉरी इसके लिए। टोटल नंबर ऑफ बाई पहले निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बाई मतलब कितना बाई मिलेगा। तो देखिए जितनी भी टीम होती है उसके पावर हम राइट करते हैं। पावर मीन्स जैसे कि 11 टीम है तो 2 का पावर 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक, 16 हो जाएगा, ठीक। मतलब कि जो भी टीम दिया हो ऐसा करना कि या तो इसके इक्वल आ जाए या तो इससे वन स्टेप ज्यादा जाएगा। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 3 टाइम में जा रहे हैं तो क्या रहा है हमारा 8 ही टीम हो पा रहा है, तो इसके लिए एक स्टेप और जाएंगे। तो 8 2 जा 16 मतलब 16 हो गया। अब जो ये नंबर आएगा पावर में एक एक्स्ट्रा जाएंगे उसमें से जितनी भी टीम होगी उस टीम को माइनस कर देंगे। तो 11 टीम का है तो 11 16 से 11 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 बचेगा, यानी 5 बाई मिलेगी, ठीक। 5 बाई हो गई। अब इस बाई को हम रखते कैसे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। 5 बाई तो हमें पता चल गया कि इस मैच में 5 बाई मिलेगी, लेकिन इस बाई को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ठीक। सबसे मस्त ये है, तो देखिए इसके लिए फार्मूला था नंबर ऑफ बाई इन अपर हाफ, ठीक। तो अपर हाफ में पहले देंगे कि अपर हाफ में कितनी बाई मिलेगी। तो नंबर ऑफ बाई हो गया कितना है 5 है, तो ये नंबर ऑफ 5 यहां रख दिए, माइनस 1 बाई 2, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, यानी जो अपर हाफ में हमारा है अपर हाफ में कितनी बाई मिलेगी 2 बाई मिलेगी, ठीक। जैसा देखिए मैं यहां दिया हूं, ये इसके लिए मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे बाई हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक। पहले अपर हाफ में मिल गया 2,
अब आते हैं लोअर हाफ में, नंबर ऑफ बाई इन लोअर हाफ एन बी प्लस वन बाई टू, तो आपका नंबर ऑफ बाई पता है फाइव है, यहाँ पर देखिए फाइव रखे प्लस सिक्स, सिक्स में टू से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा थ्री। अब जो देखिए लोअर हाफ में कितना मिलेगा, थ्री बाई मिलेगी। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ राउंड का मतलब ये होता है कि कितना राउंड मैच होगा, तो टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, यानी यहां पर कितना है सिक्सटीन हो रहा था, यानी फोर मैच, फोर राउंड ये मैच होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि पहले ही बताया था कि जब भी करते हैं हम वन स्टेप जाते हैं एक्स्ट्रा, यानी उस नंबर से ज्यादा होगा या उसके इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल तो होगा नहीं। ठीक, तो यहां पर हम देखते हैं, ठीक ये निकल, अब डिस्ट्रीब्यूट देखिए हम कैसे करते हैं। बाई देने का सबसे मस्ट जो है, जो रूल होता है, बाई रूल के अकॉर्डिंग चलता है। देखिए रूल है कि सबसे पहला जो बाई होता है लोअर हाफ के सबसे इंड में देते हैं फर्स्ट बाई, उसके बाद जो है कि अपर हाफ के जो है सबसे टॉप पर देते हैं, उसके बाद जो थर्ड बाई होती है वो कहां देते हैं लोअर हाफ के सबसे टॉप पर देते हैं। ठीक, उसके बाद जो है अपर हाफ के सबसे इंड में देते हैं। ठीक, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर पुनः वैसे जैसे लोअर हाफ के इंड में, तो इंड में तो दे चुके हैं, इंड के बाद कौन सा है सेकेंड नंबर पे जो है, तो यहां पर दे दिए नंबर फाइव, हमें फाइव ही बाई देनी थी। ठीक, यहां तक क्लियर। हाँ, अब देखिए मैच कराते कैसे हैं, आपको पहले ही मैं बता दिया हूं कि बाई का मतलब होता है कि जिस जिस टीम को बाई मिला है वो टीम फर्स्ट राउंड में मैच नहीं खेलेगी। ठीक, तो मैच खेलेगी कौन, जैसे जिसको जिसको बाई नहीं मिला, जैसे देखिए टू और थ्री का मैच हुआ, इसमें थ्री विनर, आप कोई भी टीम विनर करा सकते हैं, टू को करा सकते हैं, थ्री को करा सकते हैं, मैं थ्री को कराया हूं। ठीक, फिर इसमें देखिए इसका इसका मैच होगा फोर का और फाइव का, इसमें मैं फाइव को विनर करा दिया हूं। ठीक, अब आते हैं फिर एट और नाइन, इसमें मैं कराया हूं तो एट को मैं विनर करा दिया हूं। ठीक, अब ये बाई है तो बाई वाला एक साथ मैच हो जाएगा। ठीक, अब देखिए मैं यहां से पहले बताता हूं आपको, अब बाई का जो इसमें से मैं विनर टीम किया हूं थ्री को, तो इस थ्री का मैच इस बाई वाले से होगा। ठीक, अब इसमें मान लीजिए विनर टीम ए हो गई ये। ठीक, अब आते हैं फोर और फाइव, इसमें विनर जो फाइव हुई है तो इस फाइव से और ये सिक्स वाले नंबर से जो बाई मिला है नंबर फोर बाई फोर, इसके साथ मैच होगा। तो मैं इसमें मान लीजिए फोर को विनर कर दिया। ठीक, फोर मीन्स नहीं सॉरी, यहां पर जो हम सिक्स ही करेंगे, सिक्स राइट करेंगे, सिक्स टीम को विनर कर दिया। ठीक, अब आते हैं इसको भी बाई मिला है, अब एट और नाइन इन इसमें से विनर एट हो रही है, मान लीजिए एट मैं कराया हूं, तो इसका मैच फिर इस बाई से होगा जिसको बाई मिला है। ठीक, इसमें मैं सेवन को विनर करा दिया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, यहां पर ये बाई, इसका ये दोनों बाई है, इन दोनों बाई का मैच हुआ, तो इसमें मान लीजिए मैं इलेवन को विनर करा दिया इसको। ठीक, अब देखिए ये सेकेंड राउंड में टीम आ गई, अब सेकेंड राउंड में इसका और इसका मैच होगा। ठीक, इसमें मान लीजिए कि मैं यहां पर किसको नंबरिंग थोड़ा गलत कर दिया हूं, मान लीजिए वन और सिक्स, तो इसमें मैं सिक्स को विनर करा दिया। ठीक है, अब आते हैं इसमें सेवन और इलेवन, सेवन और इलेवन में मैच कराया, तो इसमें मान लीजिए मैं सेवन को विनर करा दिया हूं यहां पर। ठीक, अब ये जो सिक्स और सेवन जो मैच हुआ है इन दोनों के बीच, तो इसमें जो है ये थर्ड राउंड था, ये टीम थर्ड राउंड में है अभी, इसका इसका जब मैच हुआ तो यहां पर मैं सेवन को विनर करा दिया, सेवन विनर हो गई। तो इस तरह से ये फिक्सर तैयार होता है। ठीक, तो जब ये फिक्सर क्या हो गया, आपका फिक्सर ड्रा हो गया। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, बाई जब भी देंगे तो जो नियम है उसी अकॉर्डिंग दीजिएगा,
यदि बाई वैसे नहीं, बाई वैसे नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा आपका फिक्सचर गलत हो जाएगा, फिक्सचर सही आएगा ही नहीं। तो चलिए एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं। नंबर ऑफ टीम, पहले हमें क्या चाहिए फिक्सचर के लिए, नंबर ऑफ टीम चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, यानी लोअर हाफ में कितनी टीम खेलेंगी और अपर हाफ में कितनी टीम खेलेंगी। तो लोअर हाफ के लिए फार्मूला ये है, ठीक, यहां पर ये क्लियर हो गया। अब आते हैं टोटल नंबर ऑफ बाई, ठीक, यानी इस मैच में कितनी बाई मिली है, ठीक। तो बाई के लिए है 2 के पावर, मीन्स ऐसा पावर करेंगे कि या तो इसके इक्वल में आ जाए या इससे 1 स्टेप आगे जाए। तो आप करेंगे तो यहां जैसे कि मैं करके दिखाया हूं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो रहा है 3 टाइम में, और 4 टाइम में क्या आ रहा है 16, तो 16 आ रहा है 6, तो एक स्टेप आगे ही जाना है, मेरे ध्यान रखिएगा एक स्टेप आगे जाना है। तो 16 आ रहा है, तो 16 से 11 को माइनस कर देंगे, मतलब जितना भी टीम का फिक्सर हम बनाएंगे उस नंबर को जो पावर में नंबर आएगा उसमें से माइनस करेंगे, जितना आएगा वही हमारा बाई है, ठीक। उसी बाई को अब हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देखिए यह फॉर्मूला, नंबर ऑफ बाई इन अपर हाफ, यानी अपर हाफ में कितनी बाई होंगी। तो मैं यहां पर निकाला तो पता चल गया कि अपर हाफ में 2 बाई होंगे, ठीक। फिर यहां पर नंबर ऑफ बाई इन लोअर हाफ, फिर लोअर हाफ के लिए जो फार्मूला होता है बाई बताने के लिए, तो नंबर ऑफ बाई प्लस 1 बाई 2, ठीक, 2 किए तो यहां पर हो गया कितना 3 बाई, यानी जो लोअर हाफ है इसमें 3 बाई मिलेंगी, अपर हाफ में 2 बाई मिलेंगी, ठीक। नंबर ऑफ राउंड, राउंड यहीं पर क्लियर हो गया है, इसको थोड़ा मैं फैला दिया हूं आपको समझने के लिए कैसे कैसे हुआ है। तो कितना राउंड होगा, यहाँ पर 4 राउंड होगा। नंबर ऑफ मैचेस, इसका जो फार्मूला होता है n-1 = तो 11 टीम है, आप जैसे कि आप देख रहे हैं 11-1 = 10, यानी 10 मैच होगा, 10 मैच होगा, नंबर ऑफ मैच जो होता है 10 होगा, और राउंड कितने होंगे 4 राउंड होंगे, ठीक। तो यहां तक आपको क्लियर, तो देखिए जो ये है ना पोर्शन, ये आपको लर्न रखना होगा, जब तक ये आपको याद नहीं होगा तब तक आप फिक्सड ड्रा नहीं कर सकते हैं। कोई भी नंबर 30 मान लीजिए, 14 मान लीजिए, 15 मान लीजिए, करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये जैसे यहां पर था, मैं बताया हूं, आप सब देख रहे हैं, यदि आपको कंफ्यूजन होगा तो एक बार फिर वीडियो को करके अच्छे से 2 बार 3 बार देखेंगे, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे मैं स्टार्ट करता हूँ साइक्लिंग मेथड।